नमस्कार, आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। आज हम लोग बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग या अपने अपने राज्य के मानवाधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में अपने केस से संबंधित या अन्य किसी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए मानवाधिकार आयोग में कैसे RTI लगाएंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। जो इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो अवश्य सब्सक्राइब कर लें तथा बेल आइकन को दबा लें, जिससे इस तरह के हर उपयोगी वीडियो का नोटिफिकेशन शीघ्र मिलता रहे। उपयोगी लगे तो एक दूसरे को शेयर करेंगे। तो चलिए आज हम लोग जानेंगे कि अपने अपने राज्य के मानवाधिकार आयोग या राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग में कैसे RTI लगाएंगे। तो मैं बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग को एक RTI लगाया है, आप लोग देख रहे हैं। इस तरह आप लोग प्रपत्र को फॉर्म होगा तो फॉर्म में भर लेंगे, या जिन्हें सादा कागज़ पे होगा आवेदन तो सादा कागज़ पर भी दे सकते हैं या अपना टाइप करा लेंगे। तो मैंने अपने केस से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं पॉइंट टू पॉइंट यहाँ मैंने मांगा है। मैंने एक थाना अध्यक्ष के खिलाफ बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में शिकायत किया था, जिस संबंध में मैंने सूचना मांगी है। थाना के द्वारा पद का दुरुपयोग कर पक्षपात करते हुए कुछ गलत रिपोर्ट एवं FIR दर्ज कर दिया गया था, जिसके संबंध में मैंने सूचना मांगी है। देखिए, माननीय अध्यक्ष महोदय के दिनांक इतना के आदेश में कहा गया कि तत्कालीन OP थाना अध्यक्ष रतवारा जिला मधेपुरा को जांच समिति के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश दिया गया। दूसरा, इस संबंध में मैंने जानकारी चाहता हूं कि तत्कालीन OP थाना अध्यक्ष कब और कैसे उपस्थित हुआ। उपस्थित होने के बाद तत्कालीन OP थाना अध्यक्ष रतवारा द्वारा किए गए बयान की प्रमाणित छायाप्रति चाहता हूँ। आदेश के बावजूद अब तक FIR क्यों नहीं किया गया, जबकि आवेदन रतवारा OP थाना अलर्म पुलिस निरीक्षक उदासन अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी उदासन को भी डाक के माध्यम से भेजी गई थी। आयोग के आदेश की छायाप्रति संलग्न। इस तरह कर अपना पॉइंट टू पॉइंट जो भी सूचना आयोग मानवाधिकार आयोग से चाहते हैं, उस तरह आप लोग इस तरह मांग सकते हैं और 10 रुपये का पोस्टल ऑर्डर दे सकते हैं। जो BPL परिवार के हैं वो निःशुल्क सूचना मांग सकते हैं। मैंने यह सूचना मानवाधिकार आयोग में सूचना मांगने हेतु मैंने वहां जाकर यह प्रपत्र को जमा किया। वहां का रिसीविंग यह दस्तखत मोहर सहित है। दिनांक 5/5/2022 को मैंने यह लगाया है। यह अपना हस्ताक्षर कर देंगे, अपना मोबाइल नंबर और पूरा पता दे देंगे। इस प्रकार आप लोग मानवाधिकार आयोग में भी किसी भी तरह की सूचना प्राप्त करने के लिए आप RTI लगा सकते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि कोई ऐसा आयोग हो या कोई ऐसा कोर्ट हो या कोई ऐसा कार्यालय हो जहां RTI नहीं लगाई जा सकती। आप लोग बेफिक्र होकर कहीं भी जो भी सूचना चाहते हैं, आप लोग सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत RTI अवश्य लगाएं, जिससे भ्रष्टाचार का कुछ खुलासा हो सके और जनता भी जागरूक हो सके। इस तरह की उपयोगी वीडियो की जानकारी भी एक दूसरे को शेयर अवश्य कर लेंगे और एक दूसरे का मदद अवश्य करेंगे, जिस तरह भारत में हो रहे भ्रष्टाचार का खुलासा हो सके एवं दोषी पर शीघ्र कार्रवाई करवाई जा सके। जय हिंद।